के अंतर्गत। और यस, जैसे कि आप सभी को पता है, कंटिन्यूटी अपनी क्लास होती है और ये कंटिन्यूटी लगातार बरकरार है ताकि आपकी रेगुलर क्लास है वो आपको मिल सके। और जैसे कि आपको बताऊँगा, हफ्ते में 2 क्लास फर्स्ट ईयर के लिए होती है, 2 क्लास सेकेंड ईयर एंड 2 क्लास थर्ड ईयर के लिए, और टाइम वही है 8:30 बजे। और अब तक जितना भी पढ़ा है अपने, उसकी प्लेलिस्ट आप इस चैनल से प्लेलिस्ट से जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवा दिया है एंड सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो चुका है। अब फर्स्ट यूनिट का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो आपको मैंने दे दिए हैं, उसको तैयार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट जो अब जस्ट लास्ट क्लास में पूरा हुआ था, तो सेकेंड यूनिट के जो टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, उसका भी एक क्लासेज मिलेगी आपको और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लीजिएगा। आज शुरू करते हैं थर्ड यूनिट। और थर्ड यूनिट जैसे कि आपको पता है संप्रभुता के बारे में, और संप्रभुता तो ऑलवेज आपको पता होगा संप्रभुता किसे कहते हैं। जैसा कि इंग्लिश जो वर्ड है आपने कंटिन्यू पढ़ा होगा, इंग्लिश वर्ड है सोवरजिनिटी। क्या कहते हैं? सोवरजिनिटी कहते हैं। अगर देखा जाए सबसे पहले हम इसको अर्थ को देखते हैं, तो सोवरजिनिटी को लैटिन भाषा से बना दिया गया है जो दो वर्ड से मिलकर बनता है, सुपर एनस। सुपर का मतलब तो सुपर होता है, सुपर यानी सबसे, सर्वोस, एनस यानी शक्ति। तो इस प्रकार से संप्रभुता का मीन्स होता है सर्वोच्च शक्ति। क्या मीन्स होता है? सर्वोच्च शक्ति, समझ में आ गया होगा। तो संप्रभुता जिसको सोवरजिनिटी कहते हैं, पल्लवी प्रजापति गुड इवनिंग डियर, तो सोवरजिनिटी यानी सर्वोच्च शक्ति, जैसे एक राज्य में राजा के पास होती है, एक तानाशाही व्यवस्था में तानाशाह के पास होती है, जैसे उत्तरी कोरिया की बात करें किम जोंग, इसी प्रकार से एक देश की जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो संविधान के अकॉर्डिंग संसद में होती है और फिर वो अलग अलग से ट्रांसफर होती है। तो यहीं पे बात कर रहा हूँ, यानी भारत आजाद है क्योंकि भारत अपना सेल्फ डिसीजन ले पाता है आंतरिक रूप में, बाह्य रूप में, यानी भारत की अपनी संप्रभुता है, सर्वोच्च शक्ति है। तो समझ गए होंगे सर्वोच्च शक्ति को संप्रभुता कहते हैं। ओके, देन ये एक शॉर्ट मीन्स है। अब शॉर्ट मीन्स तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि जिसमें सिंपल सा एक नजर आता है कि सर्वोच्च शक्ति, एक राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है उसे संप्रभुता कहते हैं। अब संप्रभुता की एक परिभाषा मैं बताऊं, बहुत इजी परिभाषा, जिससे आपको ये मीन्स और क्लियर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो वो अच्छी डेफिनेशन है विलोबी की, और ये आप अभी हाथों हाथ याद कर लेंगे। मैं जो भी डेफिनेशन लिखवा रहा है या जो भी बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ ना, सभी तुरंत हाथों हाथ आपको कॉपी में नोटेड कर लेना है। संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। देखिए कितनी शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन है, कितनी शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन है कि संप्रभुता क्या है? एक राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, सर्वोपरि यानी सर्वोच्च इच्छा, जो बाकी अलग अलग राज्य की हजारों इच्छा होती है, लेकिन जो सबसे पहली इच्छा होती है वो संप्रभुता होती है। बात कर ले 1947 से पहले भारत देश के पास अपनी खुद की संप्रभुता, सर्वोच्च शक्ति नहीं थी। अब भारत आजाद है, अब भारत की अपने लिए सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है, संप्रभुताशाली है, संप्रभु, प्रभु यानी ईश्वर, सर्वोच्च है। तो एक राज्य की सर्वोच्चता जो होती है वो संप्रभुता कहलाती है, यानी बहुत ही ईजी वाला डेफिनेशन है। तो ये विलोबी की डेफिनेशन है, आप याद रखिएगा, सबसे ईजी वाली डेफिनेशन है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन आपको बता देता है जो जो जरूरी है, जिन बोधा की डेफिनेशन। और हर डेफिनेशन को बहुत बारीकी से समझ लीजिएगा, क्योंकि अर्थ तो समझा दिया है। सर्वोच्च शक्ति को संप्रभुता कहते हैं। आप डेफिनेशन भी यहाँ पे देखने वाले हैं। डेफिनेशन में दूसरी जो तो जिन बोधा ने दी है उसको देखें, संप्रभुता नागरिक और प्रजाजनों, संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों, यानी एक राज्य में जो प्रजा रहती है, ठीक है, प्रजाजनों के ऊपर, प्रजाजनों की ऊपर
ऊपर राज्य की, क्योंकि संप्रभुता का वजन, संप्रभुता के बारे में दम राज्य पर ही होता है, ठीक है। तो ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है, राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति यानी सुपीरियर पावर, सुपीरियर पावर, सर्वोच्च पावर, हाईएस्ट पावर, सर्वप्रभुता कहते हैं, सॉवरेनिटी कहते हैं। वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो, जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो, जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है, भले ही आप आपको तीन लाइन जैसी लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ही इजी डेफिनेशन आपको यहां पर समझा दिया। देखिए, जिन बुद्धा ने कहा है कि संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों के ऊपर, प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून भी अंकुश नहीं लगा सकता, यानी संप्रभुता उस राज्य में रहने वाले लोगों के ऊपर, लोगों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून भी अंकुश नहीं लगा सकता। सिंपल समझिए, संप्रभुता हाईएस्ट पावर है जो उन राज्य में रहने वाले लोगों के ऊपर सर्वोच्च होता है, और कानून भी इस संप्रभुता पर कंट्रोल नहीं करते हैं। जैसे एक राजा के पास जो पावर होता है उसी को हम सुपीरियर पावर कहते हैं, सर्वोच्च शक्ति कहते हैं, संप्रभुता यानी सोवर्जिनिटी। समझ में आ चुका होगा, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में आपके सामने ये चीज मैं समझाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूं। अब बात करते हैं, मैंने देखो अर्थ और सिंपली डेफिनेशन भी आपको बता दिए। अब संप्रभुता की अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं संप्रभुता दो तरह की होती है। दो तरह की संप्रभुता कैसे, चलो मैं आपको इसको समझाता हूं। यहां पे देखिए, ये आपने अर्थ समझ लिया होगा, ठीक है, आप डेफिनेशन लिख लीजिए, तब तक मैं यहां पर इसको और अच्छे से बता देता हूं। संप्रभुता के दो पक्ष, या हम कहें तो इसको प्रकार भी मान सकते हैं आप। संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं, पहला आंतरिक संप्रभुता, दूसरी बाह्य संप्रभुता। अब देखिए डियर, इसमें से कोई सिंपल डेफिनेशन है, एक उदाहरण समझिए। पहले एक उदाहरण देखते हैं, संप्रभुता ने सर्वोच्च शक्ति। तो एक परिवार को देखा जाए तो एक परिवार में पति पत्नी रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, तो घर पे किसकी चलती है, घर पे मान लीजिए, आई होप आप सभी को लगभग पता होगा, मोस्ट ऑफ मम्मी जी की चलती है, और परिवार के बाहर कौन घर की सर्वोच्च शक्ति को हैंडल करता है, पिताजी। तो इस प्रकार से संप्रभुता का अभी मैंने उदाहरण दिया, वो दो तरह का हो जाता है। लेकिन जो वास्तविक रूप में शक्तिशाली संप्रभु है वो आंतरिक रूप में और बाह्य रूप में स्वतंत्र होता है। जैसे मान लीजिए भारत की बात करता हूं, ठीक है, भारत को किस देश से कैसा संबंध बनाना है, किस प्रकार से व्यापार करना है, किस देश से नजदीकियां रखनी है, या किस देश के साथ मुक्त व्यापार करना है या डिसीजन लेना है, तो भारत को कोई सिखाता नहीं है, भारत के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि भारत आजाद मुल्क है। तो भारत को अपने बाह्य संबंधों में किस प्रकार से संबंध क्रिएशन करना है, किस प्रकार किसी युद्ध या समझौता करना है, इस प्रकार से भारत को पूरी स्वतंत्रता होती है। तो भारत बाह्य रूप में संप्रभु है, सर्वोच्च है, बाह्य रूप में संप्रभु। समझ में आ गया, बाह्य रूप में ये मैंने समझा दिया। आंतरिक रूप में कहने का मतलब है कि भारत अपने देश के अंतर्गत कौन सा कानून बना सकता है, कैसी योजना बना सकते हैं, किस प्रकार से शांति और सुरक्षा रख सकते हैं। तो भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी भी दखलंदाजी के प्रभाव में नहीं है, किसी के दबाव में काम नहीं करता है, क्योंकि भारत पूरी तरह से संप्रभु राष्ट्र है। तो उसे अपने नागरिकों के लिए, अपने राज्य के आंतरिक सुव्यवस्था के लिए डिसीजन लेने का हक खुद के पास है, तो इसे कहते हैं आंतरिक संप्रभुता। बिट्टू कुमार सर पॉलिटिकल साइंस की, ये कौन सा, हाँ यस यस यस, ये पॉलिटिकल साइंस की है बिट्टू जी, आपको पता है ना, आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो ग्रुप बने हुए हैं उनसे आपने टाइम टेबल भी दिया हुआ है कि हफ्ते में दो दिन पॉलिटिकल की क्लास फर्स्ट ईयर के, दो दिन सेकंड ईयर और दो दिन थर्ड ईयर।
इस प्रकार से एक हफ्ते में तीनों की क्लास होती है। हफ्ते में दो दिन आपने पॉलिटिकल की क्लास अगर अच्छे से कर ली ना, डेफिनेटली यहाँ से आपका श्योर अच्छा मार्क्स आएगा। एंड एग्जाम के टाइम में मैराथन क्लास होती है, बड़ी क्लास जिसमें ऑल ऑफ कवर करवा दिया जाता है। ठीक है, नजीर भाई कह सर जी हिस्ट्री और हिंदी साहित्य कब से शुरू हो रही है? 15 तारीख के बाद, आफ्टर 15। ओके, तो आंतरिक संप्रभुता का मैंने अर्थ समझा दिया, थोड़ा सा इसका मीन्स भी लिख दीजिए। तो लिखें किसी देश की उसके आंतरिक क्षेत्रों में स्वायत्तता या आजादी। जैसे भारत अपने आंतरिक मामलों में क्या करता है, भारत को किसके साथ क्या संबंध रखना है, किससे किस प्रकार से नियंत्रण करना है, किस कौन सी नीति अपनानी है, कौन सी सुविधा रखनी है, कौन सी योजना रखनी है। भारत को कब ये लगा कि COVID-19 आ रहा है तो मैं पूरी तरह से कंट्रोल में रखूँ, लॉकडाउन लगा दूँ। तो भारत ने COVID-19 के समय लॉकडाउन लगाया, कम किया, सख्ती बरती। तो ये भारत आज़ाद था इसलिए अपने देश के लिए ऐसा किया। तो एक आज़ाद मुल्क होता है ना, वह किसी के दबाव में काम नहीं करता, क्योंकि वह सर्वोच्च शक्तिशाली होता है। तो ये जो संप्रभुता है, जो सर्वोच्च शक्ति है, वह दो रूप में मौजूद होती है कि देश एक तो आंतरिक रूप में स्वतंत्र होता है और बाह्य रूप में भी होता है। सर हिस्ट्री का सिलेबस कब आएगा? हिस्ट्री का सिलेबस कल मिलेगा आपको 10 AM ऑन मॉर्निंग। ओके, कल मिल जाएगा आपको। बिट्टू जी कह रहे कौन कौन से दिन हैं? बिट्टू जी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप फर्स्ट ईयर का पूछ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का बता दूँ, जो फर्स्ट ईयर की जो पॉलिटिकल की क्लास होती है वो होती है शुक्रवार और शनिवार को। जैसा कि आज हफ्ते में दो दिन होती है ना, तो ये दो दिन यानी आज आप सही टाइम पर आए और सही टाइम पर ये क्लास ले रहे हैं। और आपके ऐसे बहुत से फ्रेंड्स होंगे जिनको पता नहीं कि एक ऐसा भी चैनल है जहाँ पर कॉलेज की लाइव क्लासेज होती है, तो प्लीज़ उनको ये शेयर कीजिएगा और उनको रिजल्ट को इम्प्रूव करना, यानी ज्ञान बांटने से बढ़ने वाला है ईयर, तो ये ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट ईयर की जो क्लास होती है ना, वो शुक्र और शनिवार को होती है, यानी हफ्ते के जो लास्ट डे होते हैं उसमें। ओके, और टाइम 8:30 के बाद, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, जो ध्यान रखिएगा। ओके, तो बढ़े आगे, देखिए तो आंतरिक संप्रभुता का मतलब है किसी देश की उसके आंतरिक क्षेत्रों में स्वायत्तता यानी आज़ादी। स्वायत्तता का मतलब होता है सूट, कि मैं मेरे परिवार में क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ ये मुझे आज़ादी है, मैं किसी के गुलाम में नहीं, तो ये मेरी होगी आंतरिक संप्रभुता। इसी तरह बात करते बाह्य संप्रभुता, तो यहाँ बाह्य का मतलब होगा किसी देश की व शक्ति जो उसे बाहरी संबंधों को बनाने में नियंत्रित, या हम नियंत्रित की जगह कहें बाहरी संबंधों को बनाने में स्वतंत्रता प्रदान करती है। देखिए सिंपल बात है, अमित कुमार कह रहे सर इंग्लिश मिलकर का, सर ये कोई इंग्लिश का क्या, मेरे को समझ नहीं है, एक बार वापस कमेंट कीजिए। ठीक है, तो देखिए संप्रभुता दो पक्ष की होती है, दो प्रकार की होती है। जैसे भारत का किस देश से क्या संबंध रखना है, किससे युद्ध करना है, किसी संधि या समझौता करनी, ये भारत को खुद डिसीजन लेता है, भारत खुद स्वतंत्र है, आज़ाद है और खुद डिसीजन लेता है। तो इस प्रकार से एक देश जो अपने देश के अंदर क्या करना और बाहर क्या करना, इस प्रकार का डिसीजन लेने का उसे एक देश को खुद को स्वयं अधिकार होता है, तो यही कहलाती है बाहरी और आंतरिक संप्रभुता। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि संप्रभुता दो पक्ष है, आंतरिक और बाह्य। समझ में आ गया ना, आंतरिक और बाह्य। परिवार में देखा जाता है ना, परिवार में आपने देखा होगा पापा जी बाहर के शेर होते हैं और घर की शेर मम्मी जी होती है, देन वही चीज यहाँ पर होती है। लेकिन यहाँ पर देश की बात हो रही है, उदाहरण के लिए तो एक देश सर्वोच्च शक्तिशाली वो देश है जो अपने बाह्य रूप में किस देश से क्या संधि समझौता रखना है, किसी
उसी देश को अपने लोगों के लिए क्या नियम कायदे बनाने हैं, उसके मामले में एक देश अगर स्वतंत्र है, किसी के गुलामी में नहीं है, तो उस देश के पास सर्वोच्च संप्रभुता है। और यही मैंने यहाँ पर आपको रूप बता दिया, समझ में आ गया होगा। अब सीधे से बढ़ते हैं संप्रभुता के लक्षण की ओर, और अभी से 100% ये नोट कर लीजिए, आपकी जो कॉपी जहाँ पर आप नोट कर लें वहाँ पे लिख दीजिए कि जो मैं कहता हूँ 100% आएगा। और अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो 100% एग्जाम के लिए श्योर है। क्या है? नोट के लिए तैयार हो जाइए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ संप्रभुता के लक्षण। क्योंकि आपको देखो शुरुआत में कहा था अर्थ परिभाषा, अर्थ परिभाषा के साथ मैंने रूप भी बता दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ संप्रभुता के लक्षण जो एग्जाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट। हाँ अमित जी कह रहे इंग्लिश मिल्क क्लास का होगी, इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर की तो डियर नहीं हो सकती है, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी की जो है वो होगी आपके, ठीक है ना, इंग्लिश लिटरेचर की। क्योंकि वो फिर अपने कॉन्टेक्ट में कोई नहीं है तो देन उसके लिए तो आपको सेल्फ करना होगा, बट आपको इंग्लिश कंपलसरी की क्लास डेफिनेटली मिलेगी। अब बात करते हैं संप्रभुता के लक्षण। देखो एक चीज बता दूं आपको कि मैं ये अभी क्यों पढ़ा रहा हूं संप्रभुता के लक्षण, मैंने सबसे पहले क्यों नहीं पढ़ाया, तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप किसी के बारे में जानते नहीं है तो आप ये पता कर पाएंगे कि वो व्यक्ति कैसा है? नहीं कर पाएंगे ना, सिंपल से नहीं कर पाएंगे। तो पहले किसी भी वस्तु, किसी इंसान को पहले तो हमें परखना, समझना होता है कि वो है क्या, इसके बाद हम उसके ऊपर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, उसकी विशेषता बता सकते हैं, उसके लक्षण बता सकते हैं, सिंपल है। तो जस्ट इसीलिए अब लक्षण की बारी है कि अब हमने जान लिया कि संप्रभुता आखिर में है क्या, इसकी अर्थ हमने समझ ली, इसकी डेफिनेशन हमने समझ ली, तो इस अकॉर्डिंग अब हम संप्रभुता की विशेषता बता सकते हैं या फिर यह भी बता सकते हैं कि संप्रभुता कैसी है। यानी अब हम पढ़ने वाले संप्रभुता के लक्षण, कि भाई इसके कैसे लक्षण है, विशेषता, ओके। तो संप्रभुता के लक्षण और काफी हद तक विशेषता दोनों एक ही होती है, तो इसलिए यहां पर आप विशेषता के तौर पे भी ये जोड़ सकते हैं, ओके। हाँ बिट्टू जी कह रहे पॉलिटिकल साइंस की क्लास कब से हो रहे हैं? डियर पॉलिटिकल की क्लास मान लीजिए लगभग 1 महीने से चल रही है, और इस 1 महीने में मैंने आपके पॉलिटिकल साइंस के अंदर, पॉलिटिकल साइंस में आपके टोटल कितने यूनिट होते हैं? 5 यूनिट होते हैं। तो मैंने फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट दोनों कंप्लीट करवा दी है, और उसकी लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट मिलेगी आपको 2023-24, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी आपकी पॉलिटिकल की अब तक जितनी भी क्लास है, और फर्स्ट यूनिट के जो टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो वीडियो भी मिलेगा, एंड सेकंड यूनिट जस्ट खत्म हुए थे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो कल मिलेंगे आपको उसके इंपॉर्टेंट प्रश्न के। और आज मैंने शुरू किए, आज मैंने थर्ड यूनिट किया किए शुरू किए, ओके। देन कंटिन्यू रेगुलर आते जाइएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स को बोलिएगा कि ऑन द नाइट हर रेगुलर डे पर क्लास होती है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, जो आएगा जो जगेगा जो समझेगा जो लिखेगा जो पढ़ेगा हो जाएगा, नाम रोशन करेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ जागेगा वो ही पाएगा। जिसको पता ही नहीं है कि भाई कॉलेज की भी लाइव क्लासेज होती है तो वो तो कैसे सीखेगा, तो आप उनके लिए गोल्डन बन सकते हैं। अगर अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे उनको एक फ़ायदा हो जाएगा कि उनको लाइव क्लास मिल जाएगी, कहीं ट्यूशन वगैरह कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है ना, फ्री में आपको क्लासेज मिल रही है। अगर नेट खत्म हो जाता है तो कभी कहीं पर जाकर ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए, बाद में देख सकते हैं, ओके। तो इस प्रकार से अपनी क्लास को इंपॉर्टेंट बना सकते हैं। तो देखिए लक्षण अभी मैंने बताया कि हम अगर किसी को जानते हैं तो उसके बारे में बता सकते हैं कि वो कैसा है क्या है। तो यहीं पर हम बता रहे हैं आपको संप्रभुता के लक्षण के बारे में। पहला, निरंकुशता। निरंकुशता का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं हो। जैसे मान लीजिए राजा, किंग, सम्राट, बादशाह, तो बादशाह किसी के अंडर में होता है क्या? किसी कंट्रोल में होता है? नहीं, वो जो कहता है वही कानून होता है और वही न्याय होता है और वही दंड होता है। तो इस प्रकार एक सम्राट, एक राजा के पास जो शक्ति होती है वो संप्रभुता शक्ति होती है।
तो इसका मतलब संप्रभुता का एक लक्षण हुआ कि संप्रभुता निरंकुश होती है, जिस पर किसी का अंकुश नहीं होता है। तो इस प्रकार से लिखिए, आप समझ जाइएगा कि संप्रभुता निरंकुश होती है, वह किसी के नियंत्रण में नहीं होती। वह शक्ति जिस पर किसी का प्रभाव अंकुश नहीं, तो उसे कहते हैं निरंकुश। जैसे एक राजा, राजा पूरी तरह से मनमानी और तानाशाही करता है, क्योंकि उसके पास जो शक्ति होती है, तो ये संप्रभुता है। तो संप्रभुता क्या एक लक्षण हो गया, निरंकुशता। समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण है, वो है मौलिकता। मौलिकता का सिंपल मीन्स होता है ओरिजिनलिटी, कि संप्रभुता जो शक्ति होती है ना, वह किसी की फोटोकॉपी नहीं होती है कि इसका देख के किया जाए, नहीं। एक राजा जो होता है, उसके पास जो पावर होता है, वो रियल में पावर होता है, ओरिजिनल पावर होता है, मोरलिटी होती है उसकी, मौलिकता होती है। किसी के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट नहीं होता है संप्रभुता, कि किसी ने उधार में दिया है, नहीं। संप्रभुता एक ओरिजिनल सर्वोच्च शक्ति होती है, वह किसी के ना तो प्रभाव में होती है, ना किसी के दिखावे में चलती है। तो इस प्रकार की एक राज्य के पास जो शक्ति होती है, वो संप्रभुता शक्ति होती है, ठीक है। और उसकी मौलिकता होगी, यानी ओरिजिनलिटी। क्या हो गई, ओरिजिनलिटी। यहां से आप समझ जाइएगा कि संप्रभुता मोरलिटी, इसका मतलब किसी के द्वारा प्रदान की गई नहीं, किसी की नकल भी नहीं, वास्तविक एक सर्वोच्च शक्ति होती है, ठीक है। तो ये दो से तीन मैंने इसके शॉर्ट में इंपॉर्टेंट बताया, वो नोट कर लीजिएगा। साथ साथ में यही पढ़ने का टॉप रिजल्ट तरीका होता है। मौलिकता का मतलब होता है किसी के द्वारा प्रदान की गई नहीं होती, ओरिजिनल होता है, कि हमने अपने खेत में उगाया तो ये हमारी पैदाइश है, हमने उगाया है, तो वो ओरिजिनल हो गया। किसी के देखा देखी नहीं किया, न किसी की नकल है, और ये रियलिटी है, वास्तविक है। तो इसी को कहते हैं मौलिकता। तो संप्रभुता यानी एक भारत के पास या एक राज्य के पास जो उसकी शक्ति होती है, वह रियल में वास्तविक शक्ति होती है, किसी ने उसको गिफ्ट नहीं की होती है। क्योंकि कोई अगर पावर किसी को देता है तो वो कभी भी छीन सकता है, तो वो ओरिजिनल कैसे हुआ पावर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड है सर्वव्यापकता। देखिए सर्वव्यापकता का मतलब होता है सब जगह मौजूद, जैसे कहते हैं भगवान, ईश्वर, गॉड। तो ये जो भगवान है, ये हर जगह मौजूद है। आप बोले कहीं खड्डे में जाकर भी अगर कुछ गलत कर रहे हो, तो भगवान वहां पर भी मौजूद है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है। तो ये संप्रभुता का भी है कि एक देश जो आजाद है, एक देश अपने लिए खुद स्वयं डिसीजन ले सकता है, सर्वोच्च शक्ति है, जैसे भारत। तो भारत की सर्वोच्च शक्ति, भारत की जो ताकत या भारत का जो प्रभाव है, इसकी जो संप्रभुता है, आजादी है, बबले आप कश्मीर में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, कन्याकुमारी, राजस्थान जाइए, या मणिपुर, मिजोरम जाइए, हर जगह भारत की सर्वोच्चता व्याप्त है, हर जगह भारत की अपनी हुकूमत और प्रभाव मौजूद है। एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए एक रूम है, ठीक है। अब इस रूम में यहाँ पर एक लाइट का खंभा है, और खंभे के रूम के ऊपर से एक वायर जा रहा है, एक करंट का तार जा रहा है। अब ये मान लीजिए घर की ये छत इतनी खुली हुई थी, तार है वो टूट जाता है, यहाँ पे जो बिजली का तार होता है वो टूट जाता है, और ये तार कहाँ पड़ जाता है, घर में। अब मान लीजिए तार इतना लंबा था कि घर के टच यहाँ फर्श पे टच करने लगा, और फर्श, अब यहाँ पर सब जगह पानी भरा हुआ था, क्या भरा हुआ था, पानी। अब लोहे, ये करंट का वायर है वो यहाँ पड़ा हुआ है,
तो ये करंट यहां तक भी पहुंचेगा या यहीं पे रहेगा? करंट करंट सब जगह फैलता है ना, तो यही बात है कि संप्रभुता भी भले देश के मिडल में हो लेकिन इसका प्रभाव इधर इधर पूरे देश में व्याप्त होता है, सर्वव्यापकता। समझ में आ गया? सब जगह मौजूद और सब पर नियंत्रण। तो नोट कर दीजिए, उपलब्धता लिखना है, ठीक है। सर्वव्यापकता, सब जगह मौजूद उपलब्धता, सर्वोच्च शक्ति, सभी जगह व्याप्त होती है, ठीक है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 जो संप्रभुता की लक्षण के बारे में बताते हैं, वो स्थायित्व। स्थायित्व का मतलब होता है परमानेंट। क्या होता है? परमानेंट। जैसे एक भारत, अब भारत सर्वोच्च शक्ति आजाद मुल्क है और भारत की अपने लिए कानून व्यवस्था बनाने की सर्वोच्च शक्ति है, तो ये भारत के पास जो अपनी संप्रभुता है ना, सर्वोच्च शक्ति है ना, ये परमानेंट है, छीनी नहीं जाती है। तो संप्रभु शक्ति, स्टडी विथ हैश एस एजुकेशन, गुड इवनिंग डियर। तो संप्रभुता होती है वो सर्वोच्च होती है और इसका लक्षण है स्थायित्व यानी परमानेंट। ऐसा नहीं है 5 साल की गवर्नमेंट होती है, जैसे अभी मान लीजिए बीजेपी है तो कांग्रेस आई है, कांग्रेस है तो बीजेपी। तो संप्रभुता ऐसी बदलती नहीं है, संप्रभुता परमानेंट होती है, स्थायी होती है। वो जिस देश के जिस राजा के पास होती है वो उसकी जागीरी बन जाती है, उसकी सर्वोच्च शक्ति बन जाती है। तो संप्रभुता परमानेंट होती है, स्थायी होती है। क्या होती है? स्थायी, इसका गुण। तो ये तो सिंपल पॉइंट है, इसमें आपको ज़्यादा बताने वाली बात ही नहीं है। बात करते हैं कि 5वां लक्षण क्या है इसका। पांचवा लक्षण आपको बताया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या हम इसको एक अलग वर्ड में दे दें समझ में आ जाए, ठीक है, या इसके अलावा वही वर्ड लिख दूं जो आपको और इजी रहेगा। ये वर्ड क्या लिखा? अपृथक्करणीयता, यानी पृथक नहीं किया जा सकता। इसका एक और दूसरा अर्थ होता है अदीयता। अदीयता यानी किसी को दिया नहीं जा सकता। जैसे आप एक उदाहरण मान लो, आपके पास आपकी आत्मा है, उसको निकाल के दूसरों को दोगे? आपके पास आपके प्राण, आपका हार्ट, हृदय है, दिल है, आप अपना दिल निकाल दो तो क्या आप जीवित रहोगे? नहीं रह सकते, नहीं रह सकते ना। तो इसी प्रकार संप्रभुता किसी एक व्यक्ति विशेष समुदाय में रहती है, संप्रभुता किसी को दी नहीं जाती। अगर संप्रभुता एक राज्य से किसी दूसरे राज्य को दी जाए तो एक राज्य था वो समाप्त हो जाएगा। जैसे कोई अपने भावनाओं में बहकर कहता है, तू कहे तो मैं तेरे लिए सांध तारे तोड़ लेकर आऊं, तू कहे तो मैं तेरे दिल हाजिर कर दूं, तो प्रेमिका ये कहता चल मुझे दिल दे दे, तो अगर एक पगला दिल निकाल के देगा तो वो न तो दिल रहेगा न वो खुद रहेगा। कहने का मतलब एक राजा तभी राजा रह सकता है जब उसके पास शक्ति सर्वोच्चता होती है। एक देश तभी स्वतंत्र रह सकता है जब उसके पास खुद की डिसीजन रखने की सर्वोच्च शक्ति होती है। तो संप्रभुताएं सर्वोच्च शक्ति है, वो एक प्राण की तरह है जिसको किसी को दूसरे को नहीं दी जा सकती है। समझ में आ गया? तो यही है अपृथक्करणता। सर प्लीज एक बात बताइए कि इस साल JNVU फर्स्ट ईयर में प्राइवेट स्टूडेंट के लिए भी सेमेस्टर सिस्टम है? ओके, लगभग 99.9% पहले क्लियर हो चुका है कि अब की बार 2 सेमेस्टर यानी साल में 2 बार एग्जाम देने हैं और ये प्राइवेट वालों के लिए भी कंपलसरी है। तो फिलहाल के लिए आप यही समझ के तैयार कीजिएगा, और मैंने लगभग 99.9% का मतलब श्योर है, क्योंकि 1% जो डाउट रहता है ना वो ये है कि एक बार प्राइवेट की फॉर्म शुरू हो जाए देन वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ इसलिए मैं आपको ये सेटिस्फेक्शन के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा इसका लक्षण। अब बात करें 6 नंबर, 6 नंबर है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो समझ जाइएगा। मैंने आपको बता दिया 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बता रहा हूँ,
और सिक्स है अविभाज्य। अब विभाज्य का मतलब होता है कि टुकड़े नहीं किए जा सकते। एक राजा है, एक राजा ने अपनी ताकत दो बेटों में बांट दी, तो क्या वो ऐसे रहेगी? नहीं, ताकत टुकड़ों में नहीं बढ़ती है, ताकत हमेशा एक व्यक्ति विशेष के पास रहती है। यानी संप्रभुता है वह किसी को बांटी नहीं जा सकती कि भाई थोड़ी तू ले ले, थोड़ी तू ले ले, यहाँ पे क्या हलवा बट रहा है क्या? नहीं, संप्रभुता पूरी की पूरी एक सर्वोच्च शक्ति एक ही कर सकती होती है, और जो धारण करेगा वो सर्वोच्च शक्तिशाली होगा। बात करूं, एक म्यान में दो तलवार रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। तो एक राज्य में दो संप्रभुता कैसे पॉसिबल है? कैसे उनके टुकड़े हो सकते? नहीं हो सकते। तो संप्रभुता है उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। संप्रभुता एक सर्वोच्च शक्ति है और ये एक राज्य में दो लोगों के पास नहीं हो सकती। तो संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है, वह अविभाज्य है। क्या है? अविभाज्य। समझ में आ चुका होगा, अविभाज्य के बारे में आप अच्छे से जान चुके होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज मैंने आपको सिंपली कहा है कि एक राज्य में यानी एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो एक राज्य में दो सर्वोच्च संप्रभुता या दो राजा रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, क्योंकि संप्रभुता के उस लोक के विपरीत है। तो संप्रभुता है वह एक व्यक्ति विशेष में निवास करती है, सर्वोच्च शक्ति के रूप में होती है, जिसके आगे पूरी जनता कानून व्यवस्था सब सर झुकाते हैं। तो इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको संप्रभुता की खूबसूरत विशेषता बताई है, जिसमें लास्ट है अनियंता। और पहले ही मैंने आपको कह दिया है कि अब आपका सेमेस्टर वाइज है, तो मैंने ये टॉपिक शुरू करने से पहले कहा था 101% आपके एग्जाम में संप्रभुता के लक्षण से संबंधित प्रश्न आएगा आएगा, देखेंगे आप एग्जाम में, क्योंकि ये एक अनुभव होता है कि सर पढ़ाते हैं, सर कहते हैं कि ये आने वाला, सर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सर को पता होता है, अंदर से फील आता है कि ये क्वेश्चन सबकी बार आने वाला है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाता है। और आपको पता ना, एक्सपीरियंस होने से एक व्यक्ति एक हाथ से गाड़ी घोड़ा जब चला सकता है या अलग अलग तरह की एक्टिंग करबत कर सकता है। तो क्यों? क्योंकि अनुभव, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, देन इस प्रकार से आप इंपॉर्टेंस समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अनियंता का मतलब है कि एक राज्य में केवल एक ही व्यक्ति संप्रभु हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार से अनियंता, क्योंकि पृथकता का मतलब होता है टुकड़ा, तो टुकड़े नहीं करते। संप्रभुता लोगों अलग अलग नहीं बढ़ती है। संप्रभुता अगर बांट दें यानी शरीर के दो टुकड़े कर दिया जाए तो शरीर रहेगा क्या? नहीं रह सकता। दिल के दो टुकड़े करके अलग अलग कर दिया जाए, रहेगा? नहीं। तो संप्रभुता एक व्यक्ति विशेष के पास ही रहती है। और जो एक मयान वाली तलवार का उदाहरण था ना, वो ये है अनियंता। एक राज्य में एक ही व्यक्ति है वो ताकतवर हो सकता है, दो नहीं हो सकती। यानी एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। सिंपल सी बात है कि एक राज्य में एक ही राजा हो सकता है, एक देश में एक ही सर्वोच्च शक्ति मौजूद हो सकती है, दो नहीं रह सकती। तो यही बात कहलाती अनियंता, यानी एक से दूसरा नहीं, अन्य नहीं, तो अनियंता, एक से दूसरा नहीं हो सकता। नो बड़ी एनी बड़ी, ओनली बड़ी वन, यानी वन, एक ही व्यक्ति पावरफुल हो सकता है। जैसे एक म्यान में एक तलवार ही रह सकती है, जिस प्रकार दो तलवार होने से उस म्यान का ही चरित्र, म्यान ही फट जाती है। तो अगर एक राज्य में दो राजा होंगे तो राजा और राज्य दोनों खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खत्म। तो इस प्रकार से अनियंता का मतलब होता है कि एक राज्य में एक ही सर्वोच्च शक्तिशाली हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। तो ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम करते हैं यहीं पे द एंड। और जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है। कंटिन्यू रेगुलर क्लास लेते रहिएगा, हफ्ते में दो दिन ही आपके लिए पॉलिटिकल की आती है। अगर आपने ये पढ़ लिया और नोट्स बना लिए, डेफिनेटली श्योरली आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं आपकी हर इम्पोर्टेंट हेल्प करूंगा आपके एग्जाम तक। और इस अगर आप पुराने वीडियोज देखें तो रिजल्ट, यानी जो यहाँ पर स्टूडेंट ने जो फेथ किया है, जो स्टूडेंट ने यहाँ पर समझा है ना, खुद स्टूडेंट ने अपनी रिज्यूम, अपना रिजल्ट यहाँ पर भेजा, क्रेडिट इस चैनल को दिया है।
तो मैं भी चाहता हूँ आप भी इस प्रकार से अपने रिजल्ट को चमचमाएं, पावरफुल बनाएं। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, आपके स्टडी को लेकर कुछ भी डाउट है बताइएगा। बाकी कॉलेज के लिए हेल्पफुल अपडेट ऑलवेज आपको मिलती रहेगी। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप अनाउंसमेंट ग्रुप से भी जुड़ते जाइएगा। अनाउंसमेंट ग्रुप क्या होता है, उसमें सिर्फ आप और मैं ही दिखता हूँ, लेकिन 500-600 स्टूडेंट जुड़े होते हैं जिसका किसी को कोई पता नहीं होता है। ठीक है, तो जुड़िएगा हर अपडेट के लिए और आने वाली क्लास के लिए। हर कोई कहता है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि समय पर कोई अगर ज्ञान आपको नहीं मिले तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो लाइव क्लास पढ़ने का आनंद ही अलग होता है माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो लव यू गाइज एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।